तो शॉर्टकट्स के लिए सबसे पहला फंडा है कि जब भी आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी ऑप्शन पर ले जाएंगे तो जिसका शॉर्टकट अवेलेबल होगा वो आपको नीचे स्क्रीन टिक में दिखाई दे जाएगा। जैसे इसका कंट्रोल आई आ रहा है तो इसमें दिखाई दे जाएगा, पर ये आपके हर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, हर जगह आपको शॉर्टकट नहीं दिखाई देगा। तो उन जगह कैसे शॉर्टकट लगाएंगे जहां पे शॉर्टकट अवेलेबल ही नहीं है? तो देखिए, हमारे पास कीबोर्ड में सबके पास ऑल्ट की होती है, ये वाली की। जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे अपनी एक्सेल स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे आपके पास कीवर्ड्स बने हुए आ जाएंगे। आपको बस एक बार प्रेस करके छोड़ना है, इसे दबाए नहीं रखना है। ये आपको जैसे होम टैब के नीचे एच आ गया, इंसर्ट के नीचे एन आ गया, पेज लेआउट के नीचे पी आ गया, फॉर्मूला के लिए एम, ऐसे ही हर एक के लिए, हर टैब के लिए इसमें ऑप्शंस आ गए, कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं, अपने आल्ट की प्रेस की, ये ऑप्शन आ गए। अब आपको मान लीजिए मुझे ऑल बॉर्डर्स करना है, बॉर्डर में जाके यहाँ से, और ये ऑल बॉर्डर्स ये करना है मुझे, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ऑल्ट प्रेस करूंगा मैं, नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे होम टैब के अंदर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच प्रेस करना पड़ेगा, ये जो कीवर्ड है मैं वो प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं वो कीवर्ड प्रेस करूंगा मेरे सामने और सारे कीवर्ड आ जाएंगे उसके अंदर अवेलेबल ऑप्शन। नेक्स्ट बॉर्डर के लिए बी, यहाँ पे बी आ रहा है, बी प्रेस करूंगा एक बार। देन ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या है, यहाँ पे ए, मेरे बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। अब मैं मान लीजिए बॉर्डर्स हटाना चाह रहा हूँ, मैं एक बार क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस किया मैंने, देन होम टैब के लिए एच प्रेस किया, बॉर्डर्स के लिए बी प्रेस किया, और नो बॉर्डर्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन, तो मैं एन प्रेस करूंगा, बॉर्डर्स चले गए। इसी तरह से मान लीजिए आपको मर्ज कर दिए सर, सेल मर्ज करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए एरिया को, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब के अंदर मर्जिंग सेंटर में, और फिर ये ऑप्शन करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे, होम टैब के लिए एच दबाएंगे, मर्जिंग सेंटर के नीचे आ रहा है एम, एम प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ये ऑप्शन है मर्जिंग सेंटर सी, जैसे सी प्रेस करेंगे ये आपका मर्ज हो गया। अब अनमर्ज करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट एच एम, यहाँ पे अनमर्ज के लिए क्या है, यू, यू यू जैसे प्रेस किया हमने, अनमर्ज हो गया। इसी तरह से जब भी आपको कोई काम करने हो, आप थोड़ी देर जैसे ऑफिस में काम करते हैं अपना, तो थोड़ी देर के लिए माउस का यूज बंद कर दें, और जो ऑप्शन आप यहाँ पे जा जाके सिलेक्ट करते हैं उनको इस मेथड से सिलेक्ट करने की कोशिश करें, तो आपके मोस्टली जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके कीबोर्ड से हो जाएंगे। लेकिन ये मोस्टली होता क्या है कि हमारा जो हाथ है वो कीबोर्ड पे ज़्यादा तेज चलता है इंस्टीड ऑफ माउस। तो जब आप काम करेंगे और कोई भी चीज़ जो आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो आप जल्दी कर पाएंगे, जैसे पेज ब्रेक प्रियो पे आया, नॉर्मल पे आ गया, और बाकी आगे प्रिंट प्रीव्यू वगैरह में चला गया। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के ऑप्शन आप अपने रेडी कर सकते हैं, जो आप यूज करते हैं ऑप्शन वो आपका हाथ उन पे ज्यादा अच्छा चल जाएगा, तो एक्सेल एक फास्ट तरीके से चलने लग जाएगा। बाकी इन वाले ऑप्शंस के तो आपको पता पड़ गए कि इनको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए इंसर्ट में जाके पहले इसी पे आते हैं, मान लीजिए मुझे कलर भरना है, इसमें कोई कलर अप्लाई करना है, तो क्या होता है कि मैं ऑल्ट एच एच दबाता हूँ, कलर तो आ गया पर इसमें कीवर्ड दिखा रहा है यहाँ पे एन और एम, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका एरो कीज काम करेंगे, ठीक है जी। हालांकि जरूरी नहीं इन्हीं से करें, जो फास्ट हो वो करें आप, ठीक है जी। कलर हटाने के लिए एच एच एन है ही, तो इस तरह से आप अपने शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है डायलॉग बॉक्स कैसे ऑपरेट करना है,
ये तो रहा हमारा टैब नेविगेशन, हमने टैब कैसे, टैब के अंदर के ऑप्शन कैसे चलाने। दूसरा होता है डायलॉग बॉक्स, जैसा हमारा नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर अवेलेबल होता है। देखिए शॉर्टकट जानने के लिए जैसा मैंने बताया आपको, अभी तक मेरा शायद स्पीकर म्यूट पे था, मैं शायद कुछ ना सुन पाया हूँ, आप लोगों में से किसी ने बोलने की कोशिश की होगी, अगर किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जैसे ऑल्ट हमें कैसे करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, देन हमारे पास अगला जो टैब में जाने के लिए साइन है वो ये है एच, और जैसे डी और ए, ये था हमारा ऑल बॉर्डर्स के लिए शॉर्टकट। कैसे करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये आ गया, एच हमारे सामने लिखा हुआ है, एच दबाया, देन बी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है बॉर्डर्स पे, बी एंड ऑल बॉर्डर्स के लिए यहाँ पे ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ए प्रेस कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। यही शॉर्टकट का तरीका आप हर मतलब इंसर्ट में भी उसी से जा सकते हैं, जैसे इंसर्ट में आपने जाना है या डेटा में जाना है, फिल्टर लगाना है, मान लीजिए कि यहाँ कोई डेटा है हमारे पास, अब यहाँ हमें फिल्टर लगाना है तो कैसे करेंगे, ऑल्ट डेटा के लिए ए लिखा हुआ आ रहा है ए, और यहाँ फिल्टर के नीचे टी आ रहा है टी, तो ऑल्ट ए टी से हमारा फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट ये डायलॉग बॉक्स ऑपरेशन का। अब मान लीजिए मुझे नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से चेंज करनी है, ठीक है जी, इसके लिए जो आपका शॉर्टकट है यहाँ पे Ctrl+1 है, या राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट सेल ले सकते हैं, Ctrl+1 है, तो कंट्रोल दबा के हम जब वन प्रेस करते हैं नुमेरिक वाला, हमारे सामने ये जो स्क्रीन खुल के आई है, इस तरह की स्क्रीन को डायलॉग बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर आपके ऑप्शन होते हैं, इसमें जो ये टैब्स हैं इन पे नेविगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के रखना पड़ेगा और देन टैब को प्रेस करके छोड़ेंगे, टैब को बार बार प्रेस करके छोड़ेंगे, तो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन चलता जाएगा, अलग अलग टैब पे आप नेविगेट कर पाएंगे, कंट्रोल दबा के रखते हुए टैब प्रेस करना करते जाना है। अगर आपको रिवर्स में आना है, अभी देख रहे हैं मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूं, अगर आपको रिवर्स नेविगेशन करना है तो कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट भी दबा लेंगे, देन फिर टैब को उसी तरह से प्रेस करेंगे, तो ये रिवर्स में आ जाएगा। मान लीजिए हम आए अलाइनमेंट में, अब यहां पे हमें इस काम करना है रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे आपके सामने के हर एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ W के नीचे देख रहे हैं, यहाँ श्रिंक टू फिट में K के नीचे है अंडरलाइन, और मर्ज सेल में M के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब इन कीवर्ड्स को कैसे चलाएंगे, वहां पे हमने क्या किया था पहले वाले कीवर्ड्स में कि ऑल्ट एक बार दबा के छोड़ दिया, उसके बाद हम HB वगैरह वगैरह दबा रहे थे, ठीक है जी, उसके अगर आपको इनको करना है तो ऑल्ट आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, आपको ऑल्ट दबा के रखते हुए, देन जैसे रैप टेक्स्ट है तो W दबाना है, ऑल्ट दबा के रखते हुए W दबाया तो ये रैप टेक्स्ट हो गया, ठीक है जी, दोबारा दबाया हट गया। मान लीजिए मुझे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जाना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एच दबाया, अब यहां आ गया, ये ऑप्शन खुल गया, ये एरो बटन से हमारा, एरो की से हमारा ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है जी, और जो भी पसंद हो आपको जो करना चाहे वहां एंटर प्रेस कर देंगे, वो सिलेक्ट हो गया, देन आपके यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आपके नीचे ये दो बटन आपको दिख रहे हैं, इसमें जिसका ये एरिया ग्रीन होता है
इसका मतलब है कि ये एंटर पे एक्टिवेटेड है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये ओके हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप सेटिंग्स जो आपने की हैं उसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो एस्केप का बटन दबा के भी बाहर आ सकते हैं। एंटर का दबाएंगे तो ओके हो जाएगा, एस्केप का दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम डायलॉग बॉक्स चलाएंगे। अब डायलॉग बॉक्स हमारे जो होते हैं, जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ऑल्ट, अब ये ऑफिस बटन आपको दिख रहा होगा, इसके लिए क्या है, एफ। और प्रिंट प्रीव्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे होता है डब्ल्यू, इस पे आपके डब्ल्यू कीवर्ड दिखाई देगा। देखिए कीवर्ड से चला, कीबोर्ड से चला तो ऑल्ट दबाया, एफ दबाया, अब यहाँ प्रिंट के नीचे देख रहे हैं डब्ल्यू दिखा रहा है, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए नीचे दिखा रहा है वी, वी प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो पेज सेटअप का जो होता है ये वाला, इसके लिए या तो हम ऑल्ट दबा के एस करके ये पेज सेटअप पे आ सकते हैं, और नहीं तो ऑल्ट एक बार प्रेस करके छोड़ेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे पी का ऑप्शन आ गया, देन आपका पेज सेटअप पे एस पी दिखा रहा है, एस पी मैंने प्रेस किया, आपका ये अब जो है डायलॉग बॉक्स है। इसके नियम वही है, कंट्रोल दबा के रखते हुए जब आप टैब दबाएंगे तो आगे पीछे जाएंगे, शिफ्ट टैब से इधर, और अंदर के ऑप्शन मान लीजिए लैंप लैंडस्केप करना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एल, फिट टू वन करना है, यहाँ पे एफ के नीचे अंडरलाइन है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एफ, ओके के लिए एंटर, तो ये आपकी सेटिंग एक बार में अप्लाई हो जाएगी। एस्केप करके मैं इस जगह से बाहर आ गया। तो इस तरह के शॉर्टकट्स जो हैं हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, बाकी इनसे आपका काम हो जाएगा। अगर ना हो, आपको लगता है कि कुछ शॉर्टकट तो अभी भी मिसिंग है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो विदाउट शॉर्टकट नहीं होते, या हमें एक लिस्ट चाहिए पूरी कि शॉर्टकट कहाँ और कैसे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे F1 प्रेस करेंगे, अपना एक्सेल की हेल्प इसके साथ ही होती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डालिए कीबोर्ड शॉर्टकट, तो आप एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन कीज का ऑप्शन आ गया पहला पहला, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखूंगा मैं, मेरे पास वो सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, और वो क्या क्या करते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिस्ट आपके पास है, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट आ रहा है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका एक्सेल में हाथ बहुत साफ हो जाएगा, ठीक है जी। F1 की से क्या क्या होता है, सारे आपके पास पूरी लिस्ट है इसमें शॉर्टकट की। देन इसके बाद शॉर्टकट्स को जानने के बाद, शॉर्टकट्स अभी हमने एक्सेल के जाने, विंडोज के अगर आपको शॉर्टकट जानने हो, क्योंकि आपने जब शॉर्टकट से अपडेट हुए होंगे वो जब आपने कंप्यूटर सीखा होगा उस टाइम हुए होंगे, अब के टाइम पे काफी शॉर्टकट्स बदल चुके हैं, विंडोज नई नई आ गई है, तो इनके अगर जानने हो तो आपने सेम ऑप्शन इनके साथ भी करना है। डेस्कटॉप पे आके आप F1 प्रेस कीजिए, हेल्प खुल जाएगा, और कीबोर्ड शॉर्टकट इसमें डाल दीजिए, आपको नए शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट करेंगे, यहाँ पे भी आ गया आपके ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे अलग अलग तरह के आपके शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाएंगे डायलॉग बॉक्स के, जो मैंने बताया, कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, टैब, ये सारी चीजें। विंडो लोगो की के साथ हम क्या है, शो डेस्कटॉप के लिए विंडो की के साथ डी दबाते हैं डेस्कटॉप के लिए, बट उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारे हमारे विंडो की के साथ शॉर्टकट्स आ चुके हैं, तो आप इनसे अपडेट हो जाइए, ठीक है जी। हर तरह के शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देन हम चलते हैं वापस एक्सेल पे। यहाँ पे एक्सेल पे हमें क्या करना है, अब जानना है कि एक्सेल क्या क्या कर सकता है, क्या लिमिट्स हैं इसकी। एक्सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एडवांस मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सेल क्या क्या कर सकता है ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो आप एडवांस एक्सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप इनकी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं तक ही रहेंगे, तो एक आप टाइप करेंगे लिमिट्स, एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स, इस टेबल को देखेंगे तो इसमें वो चीज है जो आपको एक्सेल के लिमिट्स के बारे में बताएगा कि सच एज
ओपन वर्कबुक कितनी हो सकती है, कह रहा है कि जितनी आपकी रैम हो उतनी आप ओपन कर सकते हैं फाइलें एक्सेल की। वर्कशीट का साइज कितना होता है, 10,48,576 रो और 16,384। तो इस तरह की जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप VBA सीखेंगे, क्योंकि VBA के पीछे कोई लिमिट नहीं होती, आपको कोड लिखना पड़ता है, वो तो मैनुअल काम तो होता नहीं कुछ, तो कोड लिखना पड़ता है, तो कोड इतना फ्लेक्सिबल भी होता है कि हैवी लेंथी वर्क भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे डेट पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो क्या अलाउड है, ये कह रहा है 1 जनवरी 1900 के बाद आप से पहले की डेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी आप चाहें कि 1800 के सन में कोई डेट कैलकुलेट करना चाहें तो वो नहीं होगी। लेटेस्ट डेट क्या हो सकती है वो आपके मतलब कई पुस्तें चल जाएंगी तब भी नहीं खत्म होगी, पर जो पीछे जा सकते हैं 1900 के बाद आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है जी। इसी तरह से पाइवट टेबल्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ की अलग अलग है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि ये जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें होती है ना, अब अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपका एक्सेल में इंटरव्यू ले रहा है और एक्सेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आपसे रो और कॉलम के बारे में ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा उनको मालूम नहीं होता, ठीक है जी। क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं आपके पास यहीं अवेलेबल हैं, थोड़ा सा अपडेट हो जाइए बस उनके साथ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनका रट्टा लगा दीजिए, बस इसको जान लीजिए कि आपका होता कहाँ पे है, ताकि आपके फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप ले सकें। अब हम चलते हैं एक्सेल की कस्टमाइजेशन के पास। एक्सेल में कई बार ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार तो एक्सेल को पूरा फॉर्मेट करना पड़ जाता है, एक्सेल रीइंस्टॉल करनी पड़ जाती है, छोटी छोटी दिक्कतें ऐसी। क्या क्या होती हैं वो आपके बताते हैं। आपका होम बटन है आपके पास, यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। इसमें आपकी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, और चलते हैं पहली सेटिंग की ओर, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अब ये शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन क्या होता है, जब आप कुछ भी टाइप करते हैं और इसमें से कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ, और जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये छोटी सी टूल बार आ जाती है। अगर ये नहीं अपीयर हो रही है तो एक्सेल ऑप्शन में आपके पॉपुलर के अंदर शो मिनी टूल बार जो है ये अनचेक हुआ है। जब ये अनचेक होगा तो आपका टेक्स्ट कोई टूल बार आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। इसको ऑन कर देते हैं। इनेबल लाइव प्रीव्यू क्या होता है, लाइव प्रीव्यू में क्या होता है कि जैसे भी हम किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं, इस पे क्लिक करने से पहले मुझे ये बदल के दिखा रहा है, मतलब एक तरह से प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट कैसा होगा, कैसी फॉर्मेटिंग होगी, तो इसको कहते हैं लाइव प्रीव्यू। बाय चांस अगर आपका ये ऑप्शन नहीं चल रहा है तो ये आपका इससे कंट्रोल होता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू से। दूसरा आपके पास है शो डेवलपर टैब इन रिबन, ये बाय डिफॉल्ट सबका ऑफ रहता है, ये अनचेक कंडीशन में रहता है। आप मेरे पास देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक डेवलपर टूल बार है जिसको मैक्रो रन करने के लिए यूज किया जाता है, या एक्सेल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये टूल बार अगर आपको लानी है तो यहाँ से ऑफिस बटन से एक्सेल ऑप्शन पॉपुलर में जाएंगे और शो डेवलपर टैब इन रिबन पे चेक करेंगे। जिनके पास एक्सेल 2010 या 13 के वर्जन है उसमें ये ऑप्शन आपको कस्टमाइजेशन के अंदर मिलता है। ये ऑप्शन एक्सेल 2013 या 10 के अंदर आपको यहाँ पे फाइल बटन के अंदर यहाँ पे आपका ऑप्शंस है इनके अंदर आपको कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू तो है पर शो डेवलपर टैब नहीं है, वो आपको मिलेगा यहाँ कस्टमाइज रिबन में और यहाँ डेवलपर में, यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी।
इसी तरह से आगे चलते हैं। अब देखिए कि मेरा बाय डिफॉल्ट जो कलर स्कीम है, जो एक्सेल की ये रिबन आ रही है, मेरे पास ब्लू आ रही है। मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से सिल्वर, ब्लैक, जो भी चाहूँ अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। दूसरी चीज, हम एक हर एक ऑप्शन पे जा रहे हैं तो एक नीचे फीचर दिखाता है, मैं इसको कहते हैं स्क्रीन टिप, ये जो पॉपअप सा आ रहा है इसे स्क्रीन टिप कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, स्क्रीन टिप स्टाइल, शो फीचर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दिखा है स्क्रीन टिप में, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन है स्क्रीन टिप, फीचर डिस्क्रिप्शन ना दिखाए या स्क्रीन टिप ही ना दिखाए, तीन ऑप्शन होते हैं, तो जैसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट कस्टम लिस्ट से पहले मैं आपको इस चीज को बता देता हूँ। अब आपके पास कई बार क्या आती है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरी एक्सेल की शीट में 5 शीटें हैं, जबकि मैंने कोई नई शीट आपके सामने ऐड नहीं की थी। और आप देख रहे होंगे यहाँ के एरियल का फॉन्ट डला हुआ है और यहाँ पे 12 का साइज है। नॉर्मली आपके पास कैलिबरी का फॉन्ट होता है, 11 का साइज होता है और 3 शीटें होती हैं। तो अगर आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है कि आप चाहते हो कि 3 से मेरा काम नहीं चलता, तो शीट्स आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, अप टू 255 शीट्स तक आप इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होगा। मतलब जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे या एक्सेल एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको डिफॉल्ट मिलेगा कौन सा फॉन्ट आपने यूज करना है, क्या फॉन्ट साइज रहेगा और कौन सा व्यू होगा, जैसे पेज ब्रेक व्यू होता है हमारे पास, नॉर्मल व्यू होता है या पेज लेआउट व्यू होता है, कौन सा व्यू रहेगा आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप ओके करके चलेंगे, जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे वो उसमें दिखाई देगा। जैसे मैंने 6 शीट करी थी तो 6 आ गई। तो ये आपकी सेटिंग्स जो है पहले हमारी पॉपुलर टैब में होती हैं। इसमें एक ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्या होती है, देखिए कोई कुछ नाम्स या लिस्ट मैं जो है फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ, तो मैं उनमें से कोई भी एक नाम डालूंगा। ये मेरे पास आप देखेंगे मैंने संदीप टाइप किया, इसमें हरीश, विकास, महेश, ये सब अपने आप आ गए। यहाँ से लिस्ट रिपीट हो रही है। आप भी ये ऑप्शन यूज करते हैं, जब आप जनवरी डालते हैं तो इसको ड्रैग करते हैं तो ये आगे तक दिखाता है। आप मंडे ट्यूजडे वगैरह डालते हैं तो इसको ड्रैग करते हैं यहाँ तक दिखाता है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो होती है हमारे पास, ये एक्सेल को पहले से नहीं पता है ये कहाँ होती है हमारे पास। एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर टैब में एडिट कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट होती है। तो कस्टम लिस्ट जो भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ दिखा देगा, संडे मंडे, फुल नेम संडे मंडे, जनवरी फरवरी और ये वाला, ये 4 लिस्ट आपके पास पहले से होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी लिस्ट मैंने ऐड की हुई है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, अगर नई लिस्ट चाहिए न्यू लिस्ट करके यहाँ पे या तो मैनुअल एंट्री डाल सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ ऐड हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, कहीं आपने पहले से लिख रखी है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिस्ट लेनी है, यहाँ दबाया, इम्पोर्ट कर दिया। अच्छा, ये टेक्स्ट को ही लेता है खाली, जैसे मैंने कुछ भी प्रोडक्ट की लिस्ट दबा कर दी, पेन ड्राइव, यूएसबी, टेक्स्ट को ही ले सकते हैं। यूएसबी माउस, कंप्यूटर, इस तरह से मेरे पास कुछ छोटी मोटी लिस्ट है। मान लीजिए ये लिस्ट मैं अपने पास रखना चाहता हूँ कस्टम लिस्ट। मैं क्या करूंगा, एक्सेल ऑप्शन में जाऊंगा, पॉपुलर में जाऊंगा, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहां से इसको सिलेक्ट किया मैंने, वापस इस पर क्लिक किया, इंपोर्ट किया, ये लिस्ट यहाँ आ गई, ऐड कर दूंगा। तो अब जब इसमें से कोई भी आइटम मैं टाइप करूंगा और जब उसको ड्रैग करूंगा यहां से, तो मैं इस लिस्ट को यूज कर सकता हूं कहीं भी अपना। इसका एक यूसेज मैं आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टर में के दौरान बताऊंगा।
ठीक है जी। तो इसमें अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि कोई आप लिस्ट जो बार बार यूज करते हैं, डिपार्टमेंट नेम हो गए या एम्प्लॉय नेम हो गए या आपका टीम का नाम हो गया, कोई भी जो बार बार यूज कर सकते हैं, वो आप कस्टम लिस्ट के अंदर सेव करके रख सकते हैं। और ये आपका एक फाइल तक ही सीमित नहीं है, किसी भी फाइल में आप खोलेंगे तो आपको यही सेम चीज मिलेगी। अगर मैंने नई फाइल भी खोलता हूँ, कोई भी नाम टाइप करता हूँ उनके बीच का कोई भी, और मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमारे पास पहले ऑप्शन है कैलकुलेट, वर्कबुक कैलकुलेशन। वर्कबुक कैलकुलेशन में कभी कभार क्या होता है कि आपके पास कुछ डाटा है और आपने मान लीजिए लगा दिया सम का फंक्शन, और यहाँ ये कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभार आपकी मैनुअल, ये मैनुअल सिलेक्ट है। अब देखिए होता क्या है, जो सम का फॉर्मूला लगाया है मैंने, अगर यहाँ डाटा चेंज होता है तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन चेंज होनी चाहिए वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो मैनुअल सिलेक्ट होता है। और जब आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो जैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे ये साथ के साथ आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन जो आपका है कैलकुलेशन का, फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शंस के अंदर भी होता है, कई बार यहाँ से मैनुअल होता है और आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है। जो भी सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, बट ये है कि उसको रिवर्स भी साथ के साथ ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो दिक्कत होगी, और आपके अलावा बहुत कम लोग होंगे जो इन चीजों को ठीक कर पाएंगे। देखिए एक बार एक हमारे पास सर्कुलर रेफरेंस की एरर आती है, ठीक है। सर्कुलर रेफरेंस, यहाँ फॉर्मूला पे जाते हैं, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। अब इटरेटिव कैलकुलेशन क्या होती है हमारी, मान लीजिए आपने 10 लिया और यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया जे प्लस 10, यहाँ कर दिया मैंने, इसमें और 10 जोड़ दे, ठीक है जी। अब इसमें बेस सेल को मैंने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, इससे मतलब इनको इंटरलिंक्ड कर दिया, तो ये क्या एरर देगा मुझे सर्कुलर रेफरेंस के। अब ये कह रहा है कि जब आप इस फॉर्मूले में कह रहे हैं कि आप इसमें 10 प्लस कर दो और इसमें कह रहे हैं उसमें 10 प्लस कर दो, तो इसमें क्या करे, कंफ्यूज हो गया। तो इसको कहते हैं इटरेटिव कैलकुलेशन, मतलब जो अपनी ही कैलकुलेशन पर डिपेंड हो जाता है पूरी तरह से। तो इटरेटिव कैलकुलेशन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, कि कितनी बार इटरेशन चलाए, कितनी बार ये लूप के अंदर रहे। तो यहाँ पे आप इटरेशन सिलेक्ट कर रखते हैं, जैसे मैंने कर दिया 100 बार, तो ये 100 बार कैलकुलेट होके आ गया आपने। हालांकि इसका आप यूज नहीं करेंगे, जब अच्छी कैलकुलेशन वगैरह करने लग जाएंगे, तगड़े प्रोजेक्ट आएंगे आपके पास, तब आप इसका यूज कभी फिलहाल करें, हो सकता है ना भी करें, ठीक है जी। इसको मैं वापस वैसा ही कर देता हूँ, इटरेटिव कैलकुलेशन। एक होता है हमारे पास R1C1 रेफरेंस स्टाइल, वो क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम पे हमारे पास A B C D, ये जो है हमारे कॉलम नेम्स हैं, और 1 2 3 4 ये जो है रो नेम है। तो अगर मैं इसमें इक्वल टू करता हूँ और किसी सेल का रेफरेंस लेना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए इस पे सिलेक्ट किया, तो ये ए कॉलम में सेकेंड रो का है, मींस इसका एड्रेस हुआ A2। ये जो एड्रेस है इसको हम रेफरेंस बोलते हैं, और ये आपको हाईलाइटेड यहाँ दिखाता है कि ये किससे लिंक्ड है, ठीक है जी। अब दूसरा रेफरेंस स्टाइल इसमें होता है R1C1 का, इसको रिलेटिव रेफरेंस भी बोलते हैं,
R1C1 में क्या होता है, जो ऊपर से आपका ABCD है वो 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये यहां दिखा रहा था। अब ये क्या करेगा, जिस सेल पे आप हैं उसको मान लेगा 0 0, यानी रो 0 कॉलम 0। मान लीजिए मैं यहां क्लिक करता हूं, यहां क्लिक कर दे, ये क्या दिखा रहा है, R2C1। मतलब क्या है इसका, मैं इसमें वापस आता हूँ, RC जहां दिखा रहा है इसका मतलब है R0C0 कॉलम 0 रो 0 कॉलम 0, मतलब वहां 0 है। अगर आप क्या करते हैं, आप रो में एक इंक्रीज करते हैं, नीचे आते हैं तो रो 1 कॉलम 0, रो में फिर बढ़े रो 2 कॉलम 0, अब कॉलम में बढ़ते हैं रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3। अब क्या करते हैं, हम नेगेटिव में ऊपर जाते हैं, रो में हम माइनस में जा रहे हैं तो -1 -2 -3, इसी तरह जब कॉलम में जाएंगे तो कॉलम भी माइनस में शुरू हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं रिलेटिव इस चीज रेफरेंस, का जिस यूज क्या है? इसका यूज मैम हम लोग VBA में करते हैं। ये रेफरेंशियल स्टाइल है, अभी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको काफी एडवांस लेवल की चीजें लग रही होंगी, पर ये सेटिंग्स से रिलेटेड है। इसको आप जब आगे सीखेंगे या आपको आगे वाले ऑप्शन में कहीं फंसेंगे तो ये वाली चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है जी, इसको बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पे जान लीजिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन है। ठीक है जी, क्योंकि किसी चीज को बताने से पहले उसका बेस बनाना थोड़ा जरूरी है। दूसरा चीज हम देख रहे हैं एरर चेकिंग का है। अब एरर किस तरह की होती है, मान लीजिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे आप लोग या नहीं भी होंगे, तो कभी आप चेक नंबर डालते हैं और जो कि या कोई नंबर ऐसे डालते हैं जो 0 से शुरू है। अब मैं ये एंट्री ऐसे तो कर नहीं सकता, जैसे एंटर मारता हूँ क्या होता है, आगे के 0 गायब हो जाते हैं। वहां क्या करेंगे, हम कोटेशन मार्क लगाते हैं, हम देन 0 टाइप करते हैं, ठीक है जी, तब वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे फिर ये ग्रीन सिग्नल ग्रीन साइन सा दिखा रहा है, इसका मतलब है यहाँ एरर है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक एरर बटन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है एरर है क्या, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ये कह रहा है नंबर है आपने टेक्स्ट की तरह स्टोर कर दिया है। कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो वो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, आगे से 0 उड़ा देगा। इग्नोर एरर करेंगे तो एरर इग्नोर हो जाएगी, मतलब कोई साइन नहीं है। अब चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक एरर पे कोई मतलब एरर दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पे आप एरर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, एरर चेकिंग के क्या रूल्स हैं, अभी किस एरर के तहत उसने एरर दी है, किस पॉइंट के, कि नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफी। ठीक है जी, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे एरर नहीं आएगी। तो मतलब एरर के कुछ आपके रूल्स हैं यहाँ, और उनका कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रूफिंग की ओर। अब ये आपकी डेटा एंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में सी ABC, हम कई बार लिखते हैं और इस तरह से जब लिखते हैं एंटर करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉपीराइट। ठीक है जी, दूसरी चीज मैं टाइप करना चाह रहा हूँ आर, और आर को मैंने इसी तरह लिखना चाहा तो फिर रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम इनके चक्कर में बहुत हमें लिखना तो वही है, अब क्या करें, कई माता पच्ची हो जाती है इसमें। ये चीज आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस के अंदर प्रूफिंग में। प्रूफिंग में जाएंगे आप, ऑटो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायलॉग बॉक्स जब आपको खुला तो इनके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे आपने ये सी टाइप किया था इस तरह से तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन चेक्ड है, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, मतलब जैसे ही आप टाइप करेंगे इनमें से कोई भी वो इसके सामने वाली वैल्यू से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ना हो तो रिप्लेस एज टेक्स्ट एज यू टाइप पे अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, अब आप टाइप कर सकते हैं।
ठीक है जी, अब कोई एरर नहीं आएगी। दूसरी चीज, जब हम कैपिटल केस में लिखते हैं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो ये एरर नहीं दिखाता। F7 के थ्रू हम स्पेल चेक करते हैं, तो यहां पे ये मुझे कोई एरर नहीं दिखा रहा है। कुछ सेटअप करूँ, इसने कोई एरर नहीं दिखाई मुझे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में हमारे पास प्रूफिंग में जाते हैं तो इग्नोर वर्ड इन अपर केस। आप चाहते कैपिटल में आपको स्पेल चेक चलाना है तो आप इसको अनचेक करेंगे, ये चल जाएगा आपका। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह। तो अगर आपको कैपिटल में स्पेल चेक चलाना है तो आप प्रूफिंग में जाके इसको हटा देंगे तो चल जाएगा। दूसरी चीज क्या आती है हमारे साथ, जब हम मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी टाइप करते हैं, अब ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो रही है, या कोई वेबसाइट डालते हैं तो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो रही है। अब इसको जाने के लिए हम माउस से तो जा नहीं सकते, एडिट करना है मान लीजिए गलत लिख गया, क्योंकि क्लिक करेंगे या तो मेल चली जाएगी या तो गूगल खुल जाएगा। तो ये जो हाइपरलिंक कन्वर्जन है, आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहते हैं, एक्सेल ऑप्शन में जाके प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ एंड हाइपरलिंक्स, इसको अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में मैंने आपको एक चीज दिखाई, जो मैंने दिखाया रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसको आप अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरा नाम संदीप सिंह है और मैंने क्या किया, मैंने क्या जैसे सुजीत कुमार मान लीजिए मैं करता हूँ एसके, जैसे ही मैं एसके टाइप करूं वैसे किस में बदल जाए वो, या कोई बड़े बड़े स्लैंग्स हैं जो आप लिखना चाहते हैं, मेल्स के लेटर वगैरह हैं कुछ ऐसा, तो आप इनको यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि जैसे ही मैं ये टाइप करूं इसके साथ रिप्लेस हो जाए, ऐड कर दीजिए इसको, ओके ओके। तो जैसे ही मैं एसके यहाँ टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, वो मेरे सामने आ जाएगा, मेरा एसके जो कोड था वो फुल नेम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस्ड। एडवांस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपका माउस खराब हो गया, एरो बटन खराब हो गए, आप नीचे जा रहे हैं एरो की मदद से, अगर आप वैसे नेविगेट करना चाहें तो एंटर जब आप प्रेस करेंगे नीचे जाएंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे ऊपर जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो पीछे आएंगे। तो ये जो एंटर में आप नीचे जा रहे हैं इसकी आपको डायरेक्शन कंट्रोल करनी है, तो ये एडवांस में मिलेगी। आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन इन डायरेक्शन, कौन सी वाली, अभी डाउन सिलेक्टेड है, राइट से कर लेंगे राइट पे चलेगा, आप करेंगे अप पे चलेगा, जैसा भी करेंगे वैसा चलेगा। मान लीजिए आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं, आपका हाथ सेट नहीं है डेसिमल वैल्यूज को एंटर करने में, तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट का ऑप्शन है आपके लिए कि दो डेसिमल में अपने आप बदल दे। आप फ्रीक्वेंट नंबर टाइप कीजिए, ये दो लास्ट वाले इसमें दो डिजिट में चले जाएंगे, या ऐसी कभी आपका ऑप्शन छिड़ गया हो, इस तरह की एरर आ रही हो, तो ये आपका एडवांस के अंदर मिलेगा आपको, यही ये वाला ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि जो हम ड्रैग करते हैं वो बटन होता नहीं है हमारे पास, यहाँ बटन नहीं दिख रहा मुझे, छोटा सा जो बटन आता था जिससे मैं ड्रैग करता था वो ऑप्शन ही गायब है। होता क्या है कि
कई बार जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हैं, उन फाइलों में ऐसे मैक्रोज होते हैं जो हमारे एडवांस के अंदर इस ऑप्शन को ऑफ कर जाते हैं, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। चेक करेंगे ये वापस चलेगा आपका, आ गया काला बटन वापस। ठीक है जी, तो इनेबल फिल हैंडल, बाकी आपको ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन का कलर है, आप ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अलग किसकी जरूरत नहीं पड़ती। और आपने जो फाइल देखी होगी जिसका चेंज होगा वो एक्सेल बाइनरी फाइल होती है मोस्टली, जिसको बैंक्स वगैरह में मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है जी, वापस मैंने कलर वैसा ब्लैक वापस सेलेक्ट कर दिया। एडवांस में इसके अलावा बाकी छोटे छोटे ऑप्शन है जिनका कोई खास यूज नहीं है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। कस्टमाइज पे चलते हैं। कस्टमाइज में देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक टूल बार है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है जी, अब क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी आपको शॉर्टकट एंटर करना हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे एक राउंड बटन यहाँ पे, ये पेस्ट एज वैल्यूज का है। जैसे पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ, तो वो बटन है। कहाँ से ढूंढा मैंने, मैं होम के अंदर गया, होम टैब के अंदर था, और यहाँ पे मैंने पी के सेक्शन में गया, पेस्ट वैल्यूज का ये था, इसको ऐसे करके ऐड कर लिया था, मान लीजिए रिमूव कर दिया, तो यहाँ से करके मैंने ऐड कर लिया था। कितने भी ऑप्शन आप जो क्विक यूज करते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ओके करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैंने क्या करना है, जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और बस इस बटन पे क्लिक करूंगा, पेस्ट एज वैल्यूज हो गया मेरा सारा डेटा, फॉर्मूला गायब वैल्यूज पे। ठीक है जी, पेस्ट स्पेशल खोलने की जरूरत नहीं। ऐसे ऑप्शन को आप शॉर्टकट यहाँ बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हम एडिंस पे। एडिंस का यूज हम मैक्रोज में करेंगे। एक्सेल एडिंस में जब आप गो करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिंस दिखाता है। ठीक है जी, अगर आपने कोई मैक्रोज वगैरह बनवा रखे हैं या कभी कोई फाइल में ऐड करना चाहें तो यहाँ से ब्राउज करेंगे और उस फाइल का पाथ देंगे, इधर फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके एक्सेल में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारा बात आता है लास्ट, ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका जैसे मैक्रो कई बार नहीं चल रहा तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एक्टिव एक्स यानी कि आपके कंट्रोल्स, जो बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, इस तरह के कभी नहीं चल रहे हैं तो वो आपके यहाँ से इनेबल डिसेबल होंगे। या गेम टाइप की आपने देखा होगा एक्सेल में कई बार गेम या सॉफ्टवेयर होते हैं वो नहीं चलते, तो हमारे ये मैक्रो और एक्टिव एक्स कंट्रोल के थ्रू ही होता है। एक्सटर्नल कंटेंट वो होते हैं जो हमारे डेटा कनेक्शन बनाते हैं। एक्सेल के अंदर हम किसी और सॉफ्टवेयर से डेटा ला रहे हैं तो वो कई बार चलता है नहीं चलता, तो वो उसका इनेबल डिसेबल सेटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल एक्सेल कस्टमाइजेशन का चैप्टर था जिसके अंदर हमने एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे, नंबर एंड कस्टम फॉर्मेटिंग। अब देखिए ये नॉर्मली तो आपने यूज किया होगा बट कस्टम को हाथ भी नहीं लगाया होगा कभी। इन कोड्स का मतलब क्या है, इनको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है जी, और इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको कल के क्लास में पता पड़ेगा। ठीक है जी, संदीप जी। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा इनिशियल पार्ट मिस कर दिया, हमारे मीटर चढ़ गया था। कोई बात नहीं, हमारी पूरी क्लास मैम रिकॉर्डेड है।